हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक लेटेस्ट स्कॉलरशिप को लेकर। ये स्कॉलरशिप है ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट। अगर आप बीटेक स्टूडेंट नहीं हो लेकिन आप कॉलेज स्टूडेंट हो किसी भी अदर ब्रांच के अंदर, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। वहाँ पर और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए है। ये स्कॉलरशिप जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो है ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट। तो अगर आप बीटेक की किसी भी ब्रांच में हो, सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, और इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और ये स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है, ये सब चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने वीडियो को स्किप करा तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दिया है, उस पर क्लिक करने के बाद में किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है ये मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कॉलरशिप का नाम है DXC प्रोग्रेसिंग माइंड स्कॉलरशिप। ये एक प्राइवेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप है बीटेक स्टूडेंट के लिए। चलिए हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीटेक स्टूडेंट जो कि CS, IT और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स के अंदर हैं वही इसके लिए एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा जो भी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ऐसे में डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप आई बटन पर क्लिक करके स्कॉलरशिप को देख सकते हैं जो कि सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटीज़ क्या है। तो एलिजिबिलिटीज़ में आपको पहले बताया दिया कि CS, IT और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर 60% मार्क्स या उससे अबव मार्क्स की यहाँ पर एलिजिबिलिटी है आपकी प्रीवियस एजुकेशनल डिग्री में। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट हैं तो आपके 12th क्लास के अंदर 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो फिर आपके फर्स्ट ईयर की जो इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें 60% से एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। और थर्ड जो एलिजिबिलिटी के अंदर क्राइटेरिया आता है वो है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 4 लाख रुपीज़, यानी 4 लाख से कम की एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी तो आप देख सकते हो थर्ड जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो इस तरीके से है कि जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स आपको कोई किसी तरीके के नहीं मिल रहे होने चाहिए, 6,000 रुपये से ज़्यादा ही 6,000 रुपये तक के, यानी कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी रही है और वो 6,000 रुपीज़ से कम तक मिल रही है तो भी आपको स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अब देख लेते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको मिल सकता है 50% ऑफ द टोटल फीस आपको यहाँ पर ऐसे स्कॉलरशिप मिल सकती है आपके करंट अकेडमिक ईयर की, या फिर आपको 40,000 पर एनम भी मिल सकती है, विच एवर इज लेस, यानी 40,000 से ज़्यादा तो आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए आपको लगाने होंगे। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर buddyforstudy.com जिससे हम इस स्कॉलरशिप को फिल कर रहे हैं वहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा अपनी ईमेल आईडी या फिर अपने फ़ोन नंबर से आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आपको अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब कुछ फिल करना होगा। आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेटली फिल करनी है। मैंने सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। एजुकेशन डिटेल में जब आप फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखना है कि ग्रेजुएशन पे आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में क्लास 10th, क्लास 12th के यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। अगर आपने 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा किया है तो फिर आपको यहाँ पर डिप्लोमा का ऑप्शन भी मिल जाएगा अपनी प्रोफाइल में, वहाँ पर आपको डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आप ओपन करके देख लेते हैं क्लास 10th की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या और कैसे फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने क्लास का बोर्ड चूज़ कर लेना है, स्टेट बोर्ड है या CBSE। क्लास 10th आपने किस ईयर में पास करी थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, पासिंग मंथ देख सकते हो, ये सब आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है आप उसे देख सकते हो। फिर यहाँ पर मार्क्स की डिटेल दे सकते हो आप मार्क्स में या फिर CGPA में। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेम फिर आपको 12th के लिए भी करना है। 12th क्लास में आपको अपनी स्ट्रीम भी चूज़ कर लेनी है और फिर हम देखेंगे कि आपको किस तरीके से ग्रेजुएशन की फिल करनी है। देखिए 12th क्लास में आपको यहाँ पर स्ट्रीम चूज़ कर लेनी है किस स्ट्रीम में थे आप, और इसके बाद में ग्रेजुएशन में आपको अपनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि आपकी डिग्री
बीटेक है, उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन में स्ट्रीम क्या है, यहाँ पर फोर स्ट्रीम का ऑप्शन दिखा रखा है सिर्फ। इसके बाद में आपको यहाँ पर एनुअल फीस अपनी फिल करनी है, जब आप यहाँ पर फीस भर रहे हो या फिर मोबाइल नंबर डाल रहे हो, आधार कार्ड नंबर फिल कर रहे हो, तो बीच में कोमा ना लगाएं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको एनुअल फीस डालनी है, इसके बाद में आपको सभी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिल करनी है बिल्कुल। उसके बाद में आपको सेव कर देना है। तो इसके बाद अब हमें अब फैमिली मेंबर्स की इनकम को यहाँ पर फिल करना होगा, तो आप यहाँ पर दे सकते हो, आपको यहाँ पर जो भी आपकी फैमिली के अंदर अर्निंग मेंबर है उसका नाम डालना है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी टोटल एनुअल फैमिली इनकम। याद रखिए एनुअल फैमिली इनकम 4 लाख से कम ही होनी चाहिए, जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है, अगर आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन नहीं मिलता आपके फैमिली मेंबर का, तो फिर आप यहाँ पे कोई और अदर्स का ऑप्शन भी होता है, आप यहाँ पर दे सकते हो, आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सेव करने के। इसके बाद में आप फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में यहाँ पर आप दे सकते हो, हमने पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और फैमिली मेंबर्स की जो इनकम है उसे फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप, आपके फैमिली में अगर एक से ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स है, तो आप यहाँ पर एक और फैमिली मेंबर्स की इनकम को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ऐड फैमिली प्लस में क्लिक करके। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को देख लेते किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है और किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इन सभी के आपको फोटो, सिंपली फोटोज या फिर PDF जो जिनका साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इनकी आप सिंपली फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो या PDF। तो यहाँ पर एडमिशन प्रूफ, कॉलेज एडमिशन प्रूफ, करंट अकेडमिक ईयर, फी रिसिप्ट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं, वॉच वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद में आपको बैंक डिटेल्स करनी है, वहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको सेव कर देना है। अगर आप अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट खुद का डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप अपने फादर मदर का डालते हैं तो भी वो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने नाम से डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में हम देख लेते हैं, इसको आपको सेव कर देना है। इसके बाद में आपको देखना है मोर अबाउट योर सेल्फ, तो मोर अबाउट योर सेल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, तो मोर अबाउट योर सेल्फ को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि पहले नंबर पर क्या है। पहले नंबर पर ये है कि आपको अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी है, ठीक है। यहाँ पर इन सभी आप चीज़ों को बताना है 300 वर्ड के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे, तो फिर यहाँ पर वो डिसाइड करेंगे कौन सा बच्चा ज़्यादा अकेडमिक्स में अच्छा है, कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। तो सेकेंड जो है, यहाँ पर आपकी करियर एस्पिरेशन क्या है और आपको स्कॉलरशिप किस तरीके मदद करेगी। तो यहाँ पर आपको जो सेकेंड ऑप्शन है वो काफ़ी ध्यान से फिल करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी करियर एस्पिरेशन क्या और ये स्कॉलरशिप आपको क्यों मिलनी चाहिए। तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से लिखना है बिकॉज ये आपके चांसेस को बढ़ा देगी स्कॉलरशिप के मिलने के। एक्सप्लेन व्हाई यू आर ए वर्दी कैंडिडेट ऑफ दिस स्कॉलरशिप, ये भी सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसा जैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आपको इसका सही से जवाब देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि क्या आपने स्कॉलरशिप पहले कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर आप येस और नो पे चूज़ कर लीजिए। अगर येस पे चूज़ करते हैं तो आपको बताना होगा कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और लास्ट में आपको इस पर टिक कर देना है, आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद में आप प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं। उसके बाद में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करके इसको सबमिट कर सकते हो। इसके बाद में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ जनरल क्योरीज होती हैं आपके दिमाग के अंदर, उन सभी को मैं आप इस वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, लोग ये पूछते हैं कि ये स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंट को मिलेगी, अगर सभी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सभी को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वेबसाइट के होम पेज पे, जो कि स्कॉलरशिप का होम पेज है, व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले तो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की, और अकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल नीड के ऊपर यहाँ पर स्कॉलरशिप्स को फिल्टर किया जाएगा, उन एप्लीकेशन फॉर्म को। तो अगर आपकी अकेडमिक में अच्छी मेरिट है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो आपके चांसेस ज़्यादा है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर एक टेलीफोनिक डिस्कशन, यानी टेलीफोनिक कंफर्म किया जाएगा कि वो रियल एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर कोई नकली एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वहाँ पर आपको टेलीफोन से कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे तरीके से ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जब आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट होगी, सही होगी, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी।
अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हो। यहाँ पर ये इस स्कॉलरशिप के ऑफिशियल ईमेल है, यहाँ पर आप पूछ सकते हो। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। और ऐसी ही स्कॉलरशिप से रिलेटेड और इंटर्नशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।